हाँ जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से मक्खन हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल दादा फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो शुरू करती हूँ शाम की रूटीन। तो शाम की रूटीन में मैं बनाने लगी हूँ सालन वगैरह, और बाकी भी जो काम होंगे वो साथ साथ शेयर करती जाऊँगी, तो साथ रहिएगा। चलते हैं अपने चूल्हे के पास, किचन के पास। तो आ गई हूँ मैं चूल्हे के पास। इधर मैंने आज बनानी है भिंडियाँ शाम के लिए। तो भिंडियाँ मैंने धो के रख ली थी, तो काट भी ली हैं अब अच्छी तरह से, साफ़ सुथरी करके उसे करके बाद में इनको काटना होता है। और ये है प्याज, ये भी काट लिया है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चे, नमक मिर्च मसाला। तो सबसे पहले मैं भिंडियों को फ्राई करूँगी। फ्राई डाल दिया है देसी में और गर्म हो रहा है, तो अब इसमें मैं भिंडियाँ डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और ये देखें भिंडियाँ जो हैं फ्राई हो चुकी हैं, वो निकाल ली हैं मैंने बर्तन में। और इधर मैंने प्याज डाल दिया है ऑयल में, और साथ ही सब्ज़ मिर्चे हैं, इसे हल्का ब्राउन करूँगी और फिर बाकी चीज़ें इसमें डालती हूँ। प्याज हल्का ब्राउन हो गया, तो अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, तो साथ ही टमाटर जो है उनको पकाऊंगी, और साथ ही इसमें अब मैं नमक मिर्च मसाले डालती हूँ। और ये देखिए नमक मिर्च मसाला हल्दी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और अब इसे 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी ताकि टमाटर वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। और ये देखिए मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, अब इसमें भिंडियाँ डालती हूँ। और एंड पे रह गया है सिर्फ धनिया डालने वाला, तो वो मैं बाद में डालूँगी। तो अभी ये देखें मसाले में मिक्स करती हूँ भिंडियाँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो बहुत ही मज़े की बनती हैं, आसान तरीका है। और धनिया भी मैंने डाल लिया है, और ये देखें मज़े की भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं मेरी, मज़े की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये काम मेरा हो गया है ख़त्म, और आगे जो भी होगा काम वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी ये भिंडियाँ हो गई हैं तैयार, इनको ढक के रखती हैं और आगे वाले काम के साथ चलते हैं। और अभी ये सारी की वजह होने वाली थी, ये धोई जा रही है। तो सालन हमारा पक के तैयार हो चुका है, अब रोटियां बन रही हैं, और ये शाम के हमारे खाने वगैरह की तैयारी हो रही है। बाकी भी सारे काम हो रहे हैं साथ साथ। और ये देखिए इधर बन रहा है मक्खन, तो हम ना वो मलाई उतार उतार के जमा करते हैं, तो फिर एक ही दिन बैठ के ना मक्खन बनाते हैं। तो साथ साथ ही शाम का जो काम हो रहा है रोटी वगैरह का, और साथ ही ये ना बना रहे हैं मक्खन। तो इधर ये देखें बर्फ रखी हुई है साथ, तो ये भी डालनी पड़ती है। और ये पतीली देख लें, इसमें वो पानी वैसे ही गर्म करते हैं, तो उसका कलर ये हो गया है। और ये देखें मक्खन बन चुका है, और इधर है ये मलाई जिससे हम मक्खन बना रहे हैं।
और ये देखिए माशाल्लाह से मक्खन जो है वो तैयार हो चुका है। तो मक्खन हम वो ना मधानी वगैरह से नहीं बनाते, इसी से बनाते हैं। तो ये देखिए ये बर्फ़ है ना, ये साथ इसमें डालनी पड़ती है क्योंकि बर्फ़ के बगैर जो मक्खन है ना वो जमता नहीं है, तो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ये देखें, तो माशाल्लाह से हमें देसी घी जो है ना वो मिल जाता है हमारे दूध से ही, जो हम दूध लाते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए, तो उसी से अलहदा कर लेते हैं हम लाई। तो एक ही दिन फिर माशाल्लाह से ना घी बन जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये अब बन जाए तो फिर बाद में दिखाती हूँ। बस ये है कि अभी ये इतना एक ही दफ़ा का निकला है और ये अभी बाकी है सारा, इसमें से सारा बनेगा मक्खन। हाँ जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से मक्खन हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब ना इसे गरम करेंगे और इसका देसी घी बनाएंगे। तो आज की रूटीन में हमारा जो मक्खन भी तैयार हो गया है, तो ये सारा बनाया उसी में है ग्राइंडर पे। और इधर हम खाने लगे हैं रोटी। तो ये देखें हमारी भिंडियाँ और रोटियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, बैठ के अब खाएंगे मज़े से।